हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ साइंस की दुनिया में। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कक्षा 12th के विद्यार्थियों के लिए जो निर्णय लिया जाएगा कि बोर्ड का एग्जाम कब होंगे। तो बोर्ड का एग्जाम जून के प्रथम सप्ताह में होंगे और इस वीडियो के लास्ट तक में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि एग्जाम पैटर्न क्या होगा। ठीक है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, क्या निर्णय लिया जाएगा, कब से एग्जाम होने वाले हैं, इसके संकेत अभी शिक्षा मंत्री जी ने अपने ट्विटर हैंडल के थ्रू प्लस स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने भी अपने ट्विटर हैंडल में ट्वीट करके बताया है कि क्या रहेंगे एग्जाम पैटर्न। तो चलिए देखते हैं क्या रहेगा एग्जाम पैटर्न। तो कक्षा जो एमपी के जितने भी कक्षा 12th के छात्र हैं सभी ध्यान दें इस चीज को कि स्कूल शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि परीक्षाओं पर जून के पहले सप्ताह में फैसला लिया जाएगा। जून के पहले सप्ताह में आपका निर्णय लिया जाएगा कि परीक्षाएं कब होगी। सब कुछ अगर ठीक रहा, जिस तरह से कोरोना वायरस का संक्रमण कम होता जा रहा है, अगर ऐसा ही कम होता रहा तो पुराने पैटर्न पर ही होंगे एग्जाम। मतलब जिस पैटर्न में पहले एग्जाम का पैटर्न बना हुआ था कि इस तरह से क्वेश्चन आएंगे कि एक एक नंबर के कितने आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के कितने क्वेश्चन आएंगे, अगर आपने ये आपको समझ में नहीं आया कि किस पैटर्न में आया है तो प्लेलिस्ट में वीडियो दिया गया है कि किस पैटर्न में एमपी बोर्ड के 12th के एग्जाम होंगे, वहां पे वीडियो दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, कक्षा 12वीं के एग्जाम पर निर्णय 1 जून को आ जाएगा। जैसा कि सीबीएसई ने भी कल के मीटिंग में यही डिसीजन लिया गया था कि एग्जाम का पैटर्न कैसे होगा, तो उन्होंने तो 25 तक मांगा है कि आप सभी राज्य सरकार बताएं कि उनका ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, सिचुएशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन 12th के एग्जाम कैंसिल नहीं हुए हैं और कैंसिल होने की संभावना बहुत कम है, जैसा कि मीटिंग में डिसीजन लिया गया है। तो क्या क्या है, हालात अनुकूल रहे तो पुराने पैटर्न में ही होंगे एग्जाम। सरकार ने परीक्षा की पूरी तैयारी कर ली है, जो परीक्षाएं होनी थी उसकी तैयारी कर ली है, लेकिन सीबीएसई में दो पैटर्न का संकेत मिल रहा है कि जो मेजर सब्जेक्ट है उनके बेस पे एग्जाम होगा या कुछ उनके जो मार्क्स हैं वो कम कर दिया जाएगा, टाइम को रिलेटिव भी कम करने का, लेकिन अभी कंफर्म डिसीजन नहीं हो पाया है। केंद्र ने शिक्षकों को वैक्सीनेशन की प्राथमिकता देने के लिए कहा है। 25 मई तक केंद्र ने राज्यों से मांगे हैं सुझाव। सुझाव मतलब कि क्या सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग कैसा एग्जाम पैटर्न बनाया जाए, इसके बाद लिया जाएगा निर्णय। ठीक है, स्कूल शिक्षा विभाग ने 12वीं की परीक्षा की आवश्यक तैयारियां कर ली है, जो कि अगर स्कूल डिपार्टमेंट जो है शिक्षा डिपार्टमेंट उसने परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली है। अब इसमें आप मत रहिए कि परीक्षा कैंसिल होगी, आप अपनी तैयारी पूरी रखिए, क्योंकि नॉलेज कभी व्यर्थ नहीं जाता। मतलब अगर आप स्टडी करके रखेंगे तो कहीं ना कहीं जरूर काम आएगा, तो अपनी पढ़ाई को चालू रखिएगा। किस पैटर्न में पढ़ना है, किस तरह के क्वेश्चन पेपर आएंगे, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट दे दिया गया है। हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, दोनों मीडियम के वहां पे क्वेश्चन पेपर भी, सिंपल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी कुछ दिया गया है, आप जाके वहां पे देख सकते हैं। तो मध्य प्रदेश में 12वीं की परीक्षा कैसे और कब होगी इसकी जानकारी मैं इस वीडियो के लास्ट तक में देने वाला हूं, तो वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। अगर वीडियो समझ में आए, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर आपने वीडियो को अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो इस पर निर्णय 1 जून को होगा, 1 जून को निर्णय लिया जाएगा। क्या निर्णय लिया गया है, कब परीक्षाएं होगी, किस पैटर्न पे होगी, जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट आता है तो मैं वीडियो बनाकर आप तक जरूर पहुंचाऊंगा आसान भाषा में। यह बात स्कूल शिक्षा स्वतंत्र प्रभार सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री श्री इंदर सिंह परमार जी ने सोमवार को कही, मतलब आज के दिन उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि पहले सप्ताह में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए 12वीं की परीक्षा के संबंध में निर्णय लिया जाएगा, परीक्षाओं के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने और भी कुछ बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग ने 12वीं की परीक्षा की तैयारी पूर्व में ही कर लिया था, फिलहाल परीक्षा प्रणाली के परिवर्तन प्रस्तावित नहीं है, पर परिस्थितियां अनुकूल होने पर पुराने पैटर्न में ही एग्जाम होंगे। मतलब कि जो पैटर्न थे वो चेंज नहीं होने वाले हैं अभी तक, और परीक्षाएं पूर्ण पैटर्न में ही होंगी अगर अनुकूल स्थिति सामान्य रही। जैसा कि अभी देख रहे हैं कि इस वीक में लगभग कोरोना जो वायरस पॉजिटिव मिल रहे थे वो बहुत कम होते रहे हो रहे हैं। तो कल जो मीटिंग हुई, मीटिंग में कौन कौन थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में वर्चुअली जो बैठक हुई थी उसमें शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, महिला बाल विकास
मंत्री स्मृति जुबीन इमरानी, सूचना प्रसार मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा एवं अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मंडल रश्मि अरुण समी समेत सभी राज्य संघ राज्य क्षेत्रों के शिक्षा मंत्री एवं शिक्षा सचिवों एवं राज्य बोर्ड परीक्षा बोर्ड के अध्यक्ष शामिल थे। कल की जो मीटिंग हुई थी 11 बजे लगभग मीटिंग थी, उसमें निर्णय ये सारी बातों को लिया गया। उनमें कुल मिला के यही बताया गया, उसमें मैं अगर शॉर्ट में बताऊं कि स्थिति सामान्य होने पर निर्णय लिया जाएगा। सभी राज्यों से उन्होंने सुझाव मांगे हैं कि आपके राज्य में कैसी स्थिति है, आप क्या इस तरह की व्यवस्था कैसी हो पाएगी, उसके अकॉर्डिंग परीक्षाएं ली जाएंगी। संबंध में उन्होंने अनुरोध किया कि जमीनी हकीकत को देखते हुए परीक्षा संबंध में उचित निर्णय लिया जाएगा। जमीनी हकीकत का मतलब ये कि आपके जो ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, कोरोना वायरस का संक्रमण किस तरह से कम हो रहा है या बढ़ रहा है, उसके अकॉर्डिंग लिया जाएगा। और उन्होंने सब बताया कि ज्यादातर वैक्सीनेशन को बताया कि वैक्सीनेशन शिक्षक और जो भी है उनको दिया, विद्यार्थियों को भी अगर मतलब जल्दी से रणनीति बनाई जाए कि वैक्सीनेशन हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से निर्णय आया है और 25 मई तक उन्होंने बताया कि लिखित सुझाव मांगे केंद्र राज्य सरकारों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से 25 मई तक लिखित में सुझाव मांगे गए हैं और राज्यों के इनपुट के आधार पर सभी छात्रों के हित में 12वीं कक्षाओं की परीक्षा के बारे में केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा, ठीक है। और इस तरह से उल्लेखनीय है COVID-19 महामारी ने शिक्षा क्षेत्र में विशेषकर बोर्ड परीक्षाओं एवं प्रवेश परीक्षाओं समेत विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावित किया। वर्तमान स्थिति में ध्यान में रखते हुए लगभग सभी राज्यों शिक्षा बोर्ड एवं CBSE एवं ICSE ने 12वीं कक्षा की परीक्षा 2021 को स्थगित कर दिया है। इसी तरह राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी नाटा NATA एंड अन्य राष्ट्रीय परीक्षा आयोजित करने वाले संस्थानों ने भी प्रोफेशनल पाठ्यक्रम प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा स्थगित कर दिया गया है। तो आई होप बच्चों ये जानकारी आपको समझ में आ चुकी होगी। तो दोस्तों आपका जो एग्जाम होगा वो 1 जून के बाद ही डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है। अभी 25 तक राज्य सरकारों से केंद्र शासित प्रदेशों से सुझाव मांगा केंद्र सरकार, उसके बाद बाद में डिसीजन लिया जाएगा 1 जून को। अगर स्थित अनुकूल होगी तो आपका एग्जाम पुराने पैटर्न में होगा। मैं अभी भी ये कहूंगा कि आप अपनी तैयारी जारी रखिएगा। किस पैटर्न में एग्जाम होगा आपको पैटर्न अगर नहीं पता है, क्वेश्चन बैंक के बारे में नहीं पता है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दिया गया है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन बैंक है और पेपर आने वाले हैं, किस पैटर्न में पेपर आने वाले हैं, ब्लूप्रिंट क्या है, सभी जानकारी वहां पे दिया गया है। आई होप्स ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलेंगे अगले लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा। और अगर वीडियो को फिर से बोलता हूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना मत भूलिएगा। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप बेल नोटिफिकेशन की बटन को प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो अपडेट के साथ, तब तक के लिए हर बार की तरह इस बार भी यहां तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।